गुड मॉर्निंग चिल्ड्रन, आज हम फ्रैक्शंस को डिवाइड करना सीखेंगे। ठीक है, जैसे क्वेश्चन दिया है, क्वेश्चन में लिखा है डिवाइड लिखाओ या इवेल्यूट लिखाओ या सिंप्लीफिकेशन लिखाओ, है ना। तो ये सब में यही करना है। तो जैसे क्वेश्चन नंबर वन आप देख रहे हैं, ये क्वेश्चन नंबर वन है। इसमें दिया है 3/8, फिर ये डिवाइड का साइन है। ठीक है ना, ये जो साइन बना है ये डिवाइड का साइन है। अभी तक हमने मल्टीप्लिकेशन सीखा, अब हम फ्रैक्शंस का डिवाइड करना सीख रहे हैं। तो दूसरी फ्रैक्शन दी है 5/9, तो 3/8 को डिवाइड करना है 5/9 से। सिंपल नंबर को डिवाइड करना तो आपको आता है, तो जो इसका सॉल्यूशन है वो देखेंगे, है ना। तो सॉल्यूशन में हमने क्या किया, सबसे पहले ये लिख लिया जो क्वेश्चन है, इसके बाद ये इक्वल टू का साइन लगाना है आपको। अब जो फर्स्ट फ्रैक्शन है 3/8, उसको हमने एज इट इज़ लिखा 3/8, फिर ये डिवाइड का साइन जो है इसको हम बना देंगे मल्टीप्लिकेशन का साइन, यानी डिवाइड की जगह लिखना है मल्टीप्लाई। और जो फ्रैक्शन थी आपकी, उसमें देखना है नीचे कौन सा नंबर है और ऊपर कौन सा नंबर है। जब मल्टीप्लिकेशन का साइन आ जाएगा तो नीचे वाला नंबर चला जाएगा ऊपर, ये 9 देखो ऊपर आ गया, और जो 5 है वो ऊपर था वो चला जाएगा नीचे, वो नीचे आ गया। अब ये वही क्वेश्चन बन गए जो कि अभी आपने सीखे हैं। मल्टीप्लिकेशन तो आपने सीख ही रखा है, इसको तो आप कर सकते हैं। अब ये देखना है कि कोई नंबर ऊपर वाला और जो नीचे वाले हैं वो आपस में कटते हैं क्या, नहीं कट रहे हैं। जिसमें नहीं कटते हैं वो सिंपल मल्टीप्लिकेशन हो जाते हैं। जैसे ऊपर 3 और 9 है, ये नहीं कट पा रहे हैं नीचे से किसी से भी, तो 9 3 जा 27 ऊपर आ गया, और 8 5 जा 40 ये नीचे आ गया आपका। तो आंसर हो गया 27/40, ये आंसर हो गया। एक और एग्ज़ाम्पल देखते हैं, एग्ज़ाम्पल नंबर 2 ये वाला। इसमें दिया है 7/12 डिवाइडेड बाय 3/4, है ना, डिवाइड का साइन, इसका मतलब इसको डिवाइड करना है। तो मैंने बताया आपको पहली फ्रैक्शन जो है आपकी 7/12 एज इट इज़, फिर डिवाइड की जगह मल्टीप्लाई का साइन आ जाएगा। और जो दूसरी फ्रैक्शन है उसको उल्टा कर देते हैं, यानी जो नीचे वाला नंबर है वो ऊपर हो जाएगा और जो ऊपर वाला नंबर है वो नीचे आ जाएगा। अब ये वही क्वेश्चन बन गया जैसे कि आपने पहले किए हैं, तो फिर ये 4 से कट सकता है, 4 1 जा 4 और 4 3 जा 12, ऐसे ही मैंने यहाँ दिखाया है, ये देखो सेम है। तो बचा क्या ऊपर, 7 बचा और 1 बचा, तो ये ऊपर लिखे हुए हैं, और बाकी 3 और 3 नीचे बचे हैं, ये 3 नीचे आ गई। ठीक है, तो अब इसके बाद इसकी मल्टीप्लाई कर देनी है सिंपल, तो ऊपर आ जाएगा 7 1 जा 7 और नीचे होगा 3 3 जा 9, ये इसका आंसर हो गया। तो मुझे लगता है आपको समझ में आ गया होगा। बस डिवाइड में हमें क्या करना है, इस डिवाइड का साइन को हमें मल्टीप्लिकेशन के साइन में कन्वर्ट कर देना है, और पीछे वाली फ्रैक्शन को अपोजिट कर देना है, उल्टा कर देना है। ठीक है, तो इससे आप फिर आंसर आराम से निकाल सकते हैं। अब ये जो क्वेश्चन नंबर 4, 3 और ये 5, 3 क्वेश्चन है, 3, 4, 5, ये आपको खुद करने हैं, आप कर सकते हो। ठीक है चिल्ड्रन, थैंक यू।